देखिए आपको आज जो है एडजेक्टिव क्लास की एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं जो कि 7A है। इसके पहले हम 6 तक बता चुके हैं, तो एडजेक्टिव क्लास पहले देख लेते हैं है क्या इसमें, तो उसके बाद 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज बताते हैं आपको। देखिए एडजेक्टिव क्लास में होता क्या है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को उस मुख्य नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से जैसे आप देखिएगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। वाक्य देखिए, जैसे देखिए ए बॉय केम टू माय ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, द बॉय वाज ब्लाइंड, तो आदमी लड़का क्या था, अंधा था। तो सीधी बात है बॉय की विशेषता ब्लाइंड से बताया गया, तो आपको करना क्या है ए बॉय के बीच में ए ब्लाइंड ब्लाइंड लगा दो, ए ब्लाइंड बॉय, तो बॉय वही ब्लाइंड ले लो, बॉय से पहले कर दो, एक अंधा लड़का केम टू माय ऑफिस, मेरी ऑफिस में आ गया। दूसरे वाक्य में देखो, राम गेव ए रूपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को एक रुपया दिया, द मैन वाज लेम, आदमी लेम में से होता लंगड़ा लंगड़ा था, तो सीधी बात है तो मैन की विशेषता लेम करके बताया गया, तो इसलिए मैन लेम को उठा के मैन से पहले कर दो, राम गेव ए रूपी टू ए लेम मैन, राम ने एक लंगड़े आदमी को एक रुपये दिया। उसके बाद है द पुलिस कॉट ए थीफ, पुलिस ने एक चोर पकड़ा, द थीफ वाज नोटोरियस, नोटोरियस मैन होता है कुख्यात, तो कुख्यात मतलब बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध, पुलिस ने एक चोर पकड़ा, चोर कुख्यात था, तो हम यही कहेंगे पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा, तो नोटोरियस को थीफ के पहले कर दिया। क्लियर हो गया, चलिए एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, फटाफट देख लेते एक्सरसाइज। अब इसमें करना क्या है, टैगोर वाज एक, टैगोर रोट गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखा, ही वाज ग्रेट पोएट, वह महान कवि थे, तो सीधी बात है ये, तो यहाँ कर दो कि ए ग्रेट पोएट टैगोर, यहाँ अगर एडजेक्टिव क्लास इसको बनाओगे ए ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि होगा, क्लियर, महान कवि टैगोर ने गीतांजलि लिखा, ऐसे होगा, नहीं तो आप इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, पिछले स्लाइड में भी आया था पिछले एक्सरसाइज में, तो आप इसको क्या करोगे टैगोर के बाद कह दो ए ग्रेट पोएट, टैगोर के बाद कामा ए ग्रेट पोएट, उसके बाद लिखो रोट गीतांजलि, मतलब ये केस इन अपोजिशन वाले रूल से बनेगा, ज़्यादा बेटर वही रहेगा, भले इसमें एक्सरसाइज में दे दिया, क्लियर, टैगोर की विशेषता ए ग्रेट पोएट करके उसके बाद रोट गीतांजलि, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं बताया जाएगा कि आप जो है इसको केस इन अपोजिशन से बनाओ कि एडजेक्टिव से बनाओ, चाहे जिससे बना दोगे आपका सही हो जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैथ में आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, चाहे जिससे आप समीकरण को हल करोगे उत्तर उतना ही आएगा, क्लियर, तो वही काम यहाँ भी होता है, तो चाहे आप जिससे बना दो टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट फिर कामा रोट गीतांजलि, आपका बेस्ट जो है सिंपल सेंटेंस माना जाएगा, क्लियर, ऐसे बना दो, नहीं तो एडजेक्टिव से ही बनाना चाहो तो ए ग्रेट पोएट टैगोर ऐसे बनेगा, क्लियर, रोट गीतांजलि। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट, तो अब ब्रदर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट शब्द को उठा के लाके ब्रदर से पहले कर दो, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, प्रिंसिपल ने एक लड़के पर जुर्माना लगाया, फाइंड वाले यहाँ जुर्माना लगाना होगा, पाने वाले में फाइन एनडी रहता है, जुर्माना में ईडी, क्लियर। उसके बाद लड़का नाटी था शरारती था, तो कुछ नहीं करना, नाटी को लड़के के पहले कर दो, द प्रिंसिपल फाइंड ए नाटी बॉय, आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगला देखते हैं, आई वॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा, इट वॉज कास्टली या कीमती थी, तो आप सीधी सी बात है कास्टली को पेन से पहले कर दो, आई वॉट ए कास्टली पेन, मैं एक कीमती कलम खरीदा। अगला है आई सा गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी, तो सीधी सी बात है आई सा ए, अब यहाँ वेरी टॉल ठीक है और ब्यूटीफुल को गर्ल से पहले लाके कर दो, तो आई सा ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, ही किल्ड ए हार्स, उसने एक घोड़े को मारा, द हार्स वाज ब्लैक, घोड़ा काला था, तो सीधी बात है ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था ठीक है, तो इसमें क्या ना हंग्री जो है लायन की विशेषता बतला रहे, तो आप सीधे सीधे पहले यही कर दो ए हंग्री लायन, एक भूखा शेर ने, उसके बाद आप दूसरे वाक्य से लिख दो किल्ड ए, उसके बाद ब्लैक, ए हार्स के पहले ब्लैक कर दो, किल्ड ए ब्लैक हार्स, बस इतना कर देना, ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हार्स, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। अगला देखते हैं, ही गेव ए रूपी टू ए मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, टू ए ब्लाइंड मैन कर दो, यहाँ मैन पहले ब्लाइंड ला के कर दो, उसकी भी क्योंकि विशेषता बतला रहा है। अगला आठवां देखो, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, तो सीधी बात है विलियम सी डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल कर दो, बस बात खत्म,
क्लियर, देखा क्या देखा, क्योंकि रिफ्यूजी वहाँ से उठा के गर्ल से पहले कर दो या तो उधर से ये ए रिफ्यूजी गर्ल लिख दो, आपका एडजेक्टिव सेट हो जाएगा। अगला है आई मेट ए बॉय ही वाज इंटेलिजेंट, तो सीरियस बात है इंटेलिजेंट को बॉय से पहले कर दो, लड़का क्योंकि इंटेलिजेंट है ना, तो हो जाएगा आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। ध्यान देना अब इंटेलिजेंट इधर आएगा तो ए जो है आपका आर्टिकल वो एन में बदल जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट में आई से शुरू है, स्वर है, ठीक है, ई से, तो एन लग जाएगा। क्लियर, ही मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। अगला होगा ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक लड़का बहुत बिटरली माने अत्यधिक रो रहा था, ही वाज हंग्री, वह हंग्री था, तो सीधी बात लड़का हंग्री है तो ए हंग्री बॉय कर दो, ए हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, आपका हो गया। क्लियर, अगला है दे किल्ड ए स्नेक, वे सांप मारे, इट वाज पॉइजनस, तो सीधी बात है पॉइजनस माने जहरीला, तो जहरीला सांप है तो आप स्नेक से पहले पॉइजनस ला के सेट कर दो, दे किल्ड ए पॉइजनस स्नेक। उसके बाद अगला है आपका ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, स्ट्रोलिंग माने होता है घूमना टहलना, एक औरत सड़क पर टहल रही थी, सी वाज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में छड़ी थी, तो सीधी बात है तो अब इसका यहाँ ओल्ड वुमेन है तो ओल्ड को ला के वुमेन से पहले कर दो, ध्यान देना ए का आयन हो जाएगा क्योंकि ओल्ड के पहले आयन लगता, तो हो जाएगा आयन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, इतना पूरा कर दो। उसके बाद आपको करना क्या है, विथ ए स्टिक इन हर हैंड करना है, ए विथ ए स्टिक इन हर हैंड मतलब अपने हाथ में छड़ी के साथ, विथ आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्लियर, अगला है ही रीड ए बुक, द बुक वाज ओल्ड, तो यहाँ आपको करना क्या है, ही रीड एन ओल्ड बुक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बुक को इधर जब लाओगे अब ओल्ड को लाओगे तो ए का एन हो जाएगा। क्लियर, चलिए 14वां देखते हैं, ए मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा है, ही वाज लेम, वह लंगड़ा था, तो सीधी बात लंगड़ा आदमी है तो लंगड़ा को लाके आदमी से पहले कर दो, ए लेम मैन हो जाएगा, इज गोइंग टू द स्टेशन। चलिए लास्ट देखते हैं, ए टाइगर वाज हंग्री, चीता भूखा था, ही किल्ड ए बुलक, उसने एक सांड को मारा, द बुलक वाज हेफ्टी, सांड कैसा था, हेफ्टी माने भारी भरकम था, हट्टा कट्टा था। क्लियर, आपको करना क्या है, हंग्री को टाइगर के पहले करो, ए हंग्री टाइगर हो जाएगा, उसके बाद कर दो किल्ड ए ही बुलक, दूसरे से ही काट के किल्ड ए बुलक के पहले आपको हेफ्टी करना, किल्ड ए हेफ्टी बुलक, तो हो जाएगा, ठीक है, किल्ड के बाद ए हेफ्टी, ठीक है, तब बुलक रहेगा, तो ए हंग्री लायन किल्ड ए हेफ्टी बुलक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका जो क्या था, ये एडजेक्टिव था जिसके द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए आपका सिंपल सेंटेंस में एक और यूज आपको रह गया है, वो है रूल नंबर 8 जो है कंजक्शन का प्रयोग करके, तो चलिए कंजक्शन का प्रयोग करके जो है इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ नियम नहीं है, एंड का प्रयोग करके भी जोड़ा जाता है, वही देखना है। देखो अब होता क्या है, इसमें दो वर्ब रहती है, दोनों वर्ब में एक जैसी रहती हैं, जैसे दो वर्ब दोनों वाक्य में एक जैसी जब वर्ब रहती है तो एक वर्ब को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी एक ही वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो दो शब्द बचते हैं उनको हम एंड से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगर एक ही मेन वर्ब रहेगी तो दो शब्द जोड़ेंगे तो उसको सिंपल सेंटेंस ही हम कहते हैं। जैसे देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ, तो दोनों वाक्य को जब जोड़ोगे तो आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, वॉन्ट वॉन्ट दोनों में, तो वहाँ एक वॉन्ट हटा दो, टू बाई ए पेन के बाद एंड करके अगले से ए पेंसिल कर दो, आल्सो भी मत लिखो। क्लियर, मैं एक कलम और एक पेंसिल चाहता हूँ, बस थोड़े में इतना ही कहोगे आप। दूसरे वाक्य में देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन आल्सो वेंट भी थी, मोहन भी उसके साथ गया, तो हम यही कहेंगे राम और मोहन कानपुर गया, तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, दोनों वेंट में से एक वेंट लिखो लो। क्लियर, बाकी शब्दों को एंड से जोड़ दो। तीसरा, आई साहेब ब्लैक है, मैं काली गाय देखा, आई साहेब व्हाइट काऊ आल्सो, मैं एक सफ़ेद गाय देखा, तो सीधी बात है आई साहेब ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, दोनों में सा सा है तो एक सा लिखो, दोनों शब्दों को एंड से जोड़ो, आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब एग्जाम इसका एक्सरसाइज भी देख ले रहे हैं। एक्सरसाइज में नंबर 1 है, आई टेक मिल्क, मैं मिल्क लेता हूँ, मतलब दूध, टेक मैंने लेना या पीना, मैं दूध पीता हूँ, आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई खाता हूँ, आई टेक बिस्किट आल्सो, मैं बिस्कुट भी खाता हूँ, तो सीधी सी बात है आप तीनों को आपको जोड़ना है, तो आई टेक मिल्क, मिल्क बाद कामा लगा दो, फिर स्वीट्स लिखो, फिर लास्ट वाला आपको एंड करके जोड़ देना है, आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स आल्सो हटा दो। क्लियर, मैं दूध मिठाई और बिस्किट को लेता हूँ या खाता पीता हूँ। क्लियर, दूसरा उदाहरण है, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, आई वेंट देयर टू बाय सम फ्रूट्स आल्सो, तो आप ऐसे कर दो, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, तो स्वीट्स तक पूरा लिख लो, उसके बाद दूसरे वाक्य से आई वेंट हटा दो, देयर भी हटा दो,
क्लियर। अब इसको अब दूसरे वाक्य से क्या करना है, टू परचेज सम स्वीट्स एंड करके फ्रूट्स से जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि फ्रूट भी खरीदने गया था। तो हो जाएगा आई वेंट, पहला वाक्य सेम टू सेम लिखो, स्वीट्स के बाद एंड फ्रूट्स कर दो, आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज है हमारी, देखिए टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश भी उसके साथ था, तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या करोगे, महेश गए हैं रमेश भी गए, आप ऐसे करो टुडे महेश, यहाँ महेश के बाद एंड करके रमेश को क्या करो जोड़ दो, टुडे महेश एंड रमेश, उसके बाद जो है रमेश के बाद आपको कर दो वेंट टू दिल्ली जो है इसमें, उसको वैसे ही आप क्या करो लिख दो, तो हो जाएगा टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, बस इतना आपको लिखना है। देखिए चौथा वाक्य है, मुकेश सा द ताज, मुकेश ने ताजमहल देखा, ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, उसने रेड फोर्ट भी देखा, तो आपको करना क्या है, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो मुकेश सा द ताज, उसके बाद दूसरे वाक्य से कुछ नहीं करना है, एंड लगा के आपको क्या करना है जोड़ देना है, सा द ताज एंड द रेड फोर्ट आल्सो हटा दो, तो हो जाएगा मुकेश सा द ताज एंड द रेड फोर्ट। लास्ट चलिए लास्ट वाक्य देख लेते हैं, वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस, तो करना क्या है, पहले वाई आर यू सैड फिर कामा लगाओ, फिर दूसरे वाक्य से नर्वस लिखो, फिर तीसरे वाक्य से होपलेस को जो है एंड लगा के क्या करना है जोड़ देना है, तो हो जाएगा वाई आर यू सैड नर्वस एंड होपलेस। तो ये था आपका जो है सिंपल सेंटेंस का, सारे आपको कवर कर दिए टॉपिक, अब अगले वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज और फिर कंपाउंड सेंटेंस। ब्रेक बोले जी पहले हमें, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और घंटी दबा लो ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।